नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रुपेश वालेसा निवासी जगजीतपुर, यशवीर सिंह निवासी हरिपुर कला, अरविंद वर्मा निवासी ग्राम कलाकुआ अमरोहा कोतवाली अमरोहा, आबद अली ग्राम सेतपुर नौगांव सादत अमरोहा, सोमपाल सिंह रेलवे स्टेशन रोड बिलारी मुरादाबाद, विकास गुप्ता निवासी खेड़ी खुर्द श्यामपुर ऋषिकेश, राजेंद्र निवासी शास्त्री स्टेशन रोड बिलारी जनपद मुरादाबाद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड एसटीएफ को हरिद्वार में पुरानी करेंसी के बदले नए नोट बदलने की सूचना मिल रही थी। एसटीएफ ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया। बताया जाता है कि 5 करोड़ की पुरानी करेंसी के एवज में 1 करोड़ की नई करेंसी मिलनी थी। पुलिस के मुताबिक ये लोग आरबीआई के किसी अधिकारी से साठगांठ कर पैसा एक्सचेंज करते थे और करेंसी बदलवाने के एवज में इन्हें कमीशन मिलता था। पकड़ा गया कैश करीब 4.5 करोड़ रुपए बताया जाता है। पकड़े गए लोगों में 3 यूपी और 4 उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी हुई है। एसटीएफ आरोपियों को नियमानुसार कोर्ट में पेश करेगी। वहीं इनकम टैक्स विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।